हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? होप यू अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो वही जो बेसिक चीज़ें हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स में, उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट पार्ट उसका करते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं डोमेन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे सर? डोमेन के बारे में। सेकेंड चीज़ हम बात करेंगे रूट क्या होते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, और थर्ड चीज़ जो होगी इस रूट से रिलेटेड जो मेरी इनइक्वालिटीज होती हैं उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, और बहुत ही आसान मेथड हो जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बहुत सारी इनइक्वालिटीज आप सेकंड्स में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा। तो चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। डोमेन, देखो डोमेन पे वैसे तो हम एक पूरा लेक्चर करने वाले हैं, ब्रीफली पढ़ेंगे हम जब हम इसको कैलकुलस से जस्ट पहले इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसका कि डोमेन होता क्या, एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। क्योंकि बार बार जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो बार बार हम बोलेंगे ये इसके डोमेन में ये आता है, तो वहाँ पे अगर मुझे यही नहीं पता कि डोमेन होता क्या है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दैट्स वाई सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि डोमेन होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं डोमेन की। मैंने क्या बोला कि कोई भी मैंने एक फंक्शन लिखा या कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेट बी इट इज, मैंने ऐसे लिख दिया आपको कोई भी फंक्शन 1/(x-2)। अब मैं ये बोलता हूँ कि ये जो फंक्शन है x की किस किस वैल्यू के लिए डिफाइन है, यानी x की वो सारी वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा, उन सारी वैल्यूज को अगर मैं इकट्ठा कर दूं, उनका एक सेट बना दूं, तो वही क्या होता है, इसका डोमेन होता है। किसका? इस फंक्शन का। ठीक है, कैसे पता लगेगा? बहुत सिंपल सी बेसिक चीजें होती है जिनसे मैं पता कर सकता हूं। जैसे आपको कभी भी ऐसे टर्म मिले p बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है, तो हमेशा मुझे पता है सर डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि चीजें अनडिफाइंड कब होती है, जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है। वो कब होगा? जब x की क्या वैल्यू होगी, 2 होगी, तो ये 2 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कोई दिक्कत है क्या इसको कहीं पे भी? कोई भी वैल्यू आप रख के देखो इस फंक्शन को, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि इसका डोमेन क्या होगा, सिंपली मैं बोल दूंगा सर ये होगा रियल नंबर, लेकिन इसमें से क्या माइनस कर दोगे, 2 माइनस कर दोगे। सारे रियल नंबर कोई भी नंबर उठा लो, लेकिन 2 नहीं होना चाहिए, दैट इज योर डोमेन फॉर दिस फंक्शन। सिमिलरली अगर मैं मान लो मैंने ऐसे लिख दिया x-5 रूट के अंदर है, मैं पूछता हूं ये किस किस एक्स की वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, मतलब इसका डोमेन क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो मुझे पता है सर ये क्या नहीं होना चाहिए, ये क्या नहीं होना चाहिए सर, ये कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी x-5 जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी x जो हमेशा क्या होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका डोमेन क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इस बात को ऐसे बोल दो, इस बात को आप ऐसे बोल दो, एक ही बात है, 5 to infinity क्लोज मतलब 5 इंक्लूड होगा, और इन्फिनिटी के साथ हमेशा हम ओपन इंटरवल ही यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका डोमेन ये होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीजें होंगी जो आपको पता होना चाहिए। लेट अगर मैं लिख दूं x+7 है, मान लो ये एक फंक्शन है मेरे पास, इसका डोमेन बता सकते हैं आप मुझे? क्या कोई ऐसी कंडीशन दिख रही है जहां पे अनडिफाइन हो सकते हैं? सर कोई भी कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो आपको इन जनरली कोई भी पॉलिनोमियल अगर मिलता है, कोई भी पॉलिनोमियल मिलता है, वो हमेशा उसका डोमेन क्या रहेगा, इट इज ऑलवेज इक्वल टू रियल नंबर। ठीक है, बाकी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें करनी है। तो सिंपल सी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी, बस ये चीज़ ध्यान रखें। ठीक है, तो एक चीज़ डिनोमिनेटर वाली कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर हमेशा टर्म्स पॉजिटिव होती हैं। तो जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, डोमेन को फाइंड आउट करते हैं। होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, और बाकी जो डिटेल है इस डोमेन के बारे में वो हम एक सेपरेट लेक्चर लेके करेंगे, ये जस्ट बेसिक था इसका। होप सो इट इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट थिंग, आज ये रूट कि कोई भी एक्सप्रेशन मैंने लिया, लेट बी डेज fx इज इक्वल टू, मैंने बोल दिया x-5 है सर मेरे पास। ठीक है, मैं बोलता हूं इसके रूट क्या होंगे, या मैं बोलूं इसके रूट का मतलब क्या है। तो इन जनरल अगर आप याद करोगे 8th, 9th, 10th में हम क्या करते थे, सर इसका रूट निकालना, हम इक्वल टू 0 रख देते और यहां से x की वैल्यू मिल जाती थी 5। यानी हमने क्या किया, हमने ये किया सर इस फंक्शन को जिसका मुझे रूट निकालना था उसको इक्वल टू 0 पुट करा, और उसके लिए जो x की वैल्यू मुझे मिल रही थी वही मेरा क्या होता था, इसका रूट होता था। तो यानी एक चीज मुझे सिंपल सी समझ में आती है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर मैं रूट की बात करता हूं, ठीक है, या फिर रूट किसी का भी आप निकालोगे, तो उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि वो वैल्यू ऑफ x जिसके लिए जो फंक्शन है वो क्या हो जाए, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है मेरा क्या हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए, उसी को हम उसका रूट बोलते हैं। तो यहां 5 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली रूट। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, मैं बोलता हूं x² - 4 ले लेते हैं, ये है सर, तो इसके रूट क्या होंगे, या तो इक्वल टू 0 रख दो, या सिंपली मुझे दिख रहा है सर x की क्या है,
अगर मैं प्लस और माइनस टू ले लूँ x की जगह तो ये हमेशा जीरो होगा। टू रखोगे फोर माइनस फोर जीरो, माइनस टू रखोगे तो भी फोर माइनस फोर जीरो, यानी ये दोनों वैल्यूज ऐसी है जिसके लिए ये फंक्शन जो है जीरो हो जाएगा, मतलब इसके रूट जो हैं वो ये होंगे। सिंपल, ये चीज़ें हम पहले से ही जानते थे। अब एक और थोड़ा सा एडिट करते इसमें, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, रूट इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, ठीक है। तो उसका ध्यान से देखो, मान लो मेरी ये नंबर लाइन है, ठीक है, इसका रूट कहीं यहाँ फाइव होगा, तो फाइव लेफ्ट राइट नंबर लाइन का मतलब सब जानते हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ, तो दिस इज फाइव। अब अगर इस फंक्शन में मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू 5 से बड़ी अगर रख के ट्राई करता हूँ तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। अगर मान लो x की जगह मैं 6 रखता हूँ तो दिस बिकम योर 6 माइनस 5 मतलब 1, 7 रखता हूँ तो 7 माइनस 5 इट इज 2, 8 रखता हूँ तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, 10 रखूंगा तो 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, 5.1 रखूंगा मैं तो 5.1 माइनस 5 यू गेट 0.1 बट इट इज पॉजिटिव, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है ना, ये नंबर तो अलग अलग आ रहे हैं लेकिन 5 से मैंने जितनी भी वैल्यूज बड़ी रखी उन सब के लिए ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, यस और नो। आप यहाँ पे x की वैल्यू 5 से कोई भी बड़ी रखो तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट से दिख रहा है, सिंपल देखने में लग रहा है कि 5 से बड़ा कुछ भी रखोगे सर पॉजिटिव ही आएगा, और 5 से छोटा रखूँ तो सिंपल सा दिख रहा है सर ये हमेशा नेगेटिव आएगा, 4 रखोगे माइनस 1, 4.5 रखो माइनस 0.51, यस और नो, यस। तो इट इज ऑलवेज बी नेगेटिव व्हेन द वैल्यू इज लेस देन 5, यस और नो, यस। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये हो गया। अगर मैं सेम इसके साथ करूं तो अब यहां पे मेरे पास दो रूट हैं, द फर्स्ट वन इज 2 एंड द सेकंड वन इज माइनस 2। ऑप्शन जानते हैं कि लेफ्ट में छोटा और राइट में बड़ा नंबर होता है नंबर लाइन पे। अब अगर मैं वैल्यूज रखना चाहूं यहां पे तो ध्यान से देखो, 2 से बड़ी वैल्यू कोई भी रख के देखो, 3 रखो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखो ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। माइनस 2 और 2 के पीछे कोई वैल्यू रख के देखो, जैसे मान लो मैंने 0 रखा इट इज ऑलवेज नेगेटिव, फिर देखा मैंने अगर मैं माइनस 2 से छोटी वैल्यू रखूंगा तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। कोई भी वैल्यू आप ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है, और बाकी सिंपल सा है आपको दिख भी रहा होगा। माइनस 3 रखो इट इज 9 माइनस 4 मीन्स 5, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब ध्यान देने वाली बात क्या है, बात ये नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, बात ये है कि जो भी मेरा रूट था उसके लेफ्ट और राइट में जो मेरे फंक्शन का साइन था, जो फंक्शन की वैल्यू का साइन आप बोल सकते हो, वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब अल्टीमेटली चेंज हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है। चीजें क्लियर, यस और नो, यस, सिंपल, ठीक है। तो अब इसी चीज के बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान देने वाली बात क्या है यहां पे हमेशा, कि अब मुझे कैसे पता लगे कि ये पॉजिटिव आएगा कि ये नेगेटिव आएगा, क्या मैं पता कर सकता हूं डायरेक्टली, ठीक है। यहां से डायरेक्टली दिख रहा है लेकिन इसी इक्वेशन को अगर मैं लिख देता लेट मी डेज माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का भी रूट 5 ही है, ये सुनो। बट आप अगर ध्यान से देखोगे इसको नंबर लाइन पे लिखोगे तो 5 कहीं यहां होगा, अब यहां 5 से बड़ी वैल्यू रख के देखो, अब 6 रखोगे तो ये नेगेटिव आएगा और 5 से छोटी वैल्यू रखोगे तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ में बात, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्यों है, अगला जब क्वेश्चन करेंगे ना बहुत आसान हो जाएगी चीजें। तो ध्यान देने वाली बात क्या है ना, यहां पे मेरा एक लीनियर फंक्शन था जिसको मैंने लिखा ax plus b की फॉर्म में, ठीक है, और जहां पे जो a था वो क्या था, मेरा पॉजिटिव था, यानी कॉफिशेंट ऑफ x मस्ट बी पॉजिटिव, कॉफिशेंट ऑफ x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर ऐसा है तो चाहे कितने भी रूट हों हमेशा आप क्या स्टार्ट करोगे, ये 5 होगा इस तरफ मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हूं, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो जो रूट होगा पहला रूट राइट हैंड साइड में उसके लेफ्ट में हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, उसके बाद नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली देखो राइट में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा अल्टरनेट मिलेगा। मान लो मेरे पास 10 रूट, चलो 4 ले लेते हैं, ज्यादा हो जाएंगे 10, तो 4 ले लिए, और अगर मेरे फंक्शन इस टाइप से हैं, ठीक है, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये ऐसे अल्टरनेट रूट्स आएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, जो राइट मोस्ट पोर्शन होगा नंबर लाइन का वहां पे पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे ही चलेगा ये अल्टरनेट। सो होप सो चीजें क्लियर, ठीक है। अब बात आती है सर ये कब आएगा, फिर मैंने बता दिया ना, यानी जब ये ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तब ये साइन चेंज हो जाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा एक ही चीज को याद रखो, कौन से वाली को, ये वाली को, कि एक्स का कोफिशिएंट हमेशा क्या कर लो, पॉजिटिव कर लो। इन इक्वालिटीज की बात कर रहा हूं मैं, एक्स का कोफिशिएंट क्या कर लो, पॉजिटिव कर लो, एंड देन हम सिंपली उसको प्लॉट कर सकते हैं कि कहां फंक्शन मेरा पॉजिटिव होगा और कहां मेरा फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा।
तो होप शो ये चीज़ें क्लियर, ठीक है, सिंपल सी चीज़ें समझ में आई, ठीक है। तो इसको हटाते हैं और इसका यूज क्या है मेरा इनइक्वालिटीज में, उसकी बात करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। होप शो यहाँ तक क्लियर है, तो एक बार हटा दो इसको। देखो एक सिंपल से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मुझे मान लो ये फंक्शन गिवन है, ग्रेटर देन जीरो, ये पूछा गया है कि सॉल्व फॉर एक्स, या सिंपली बोल दे सॉल्व करो या सॉल्व फॉर एक्स करो, ठीक है। तो मुझे एक्स की वो वैल्यूज बतानी है जिसके लिए ये फंक्शन जो है हमेशा जीरो से बड़ा होगा, हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। मतलब क्या है भाई, ये पॉजिटिव होना चाहिए, सीधा सा मतलब ये है, क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है। यस सुनो, यस सिंपल सा, ठीक है। तो कैसे करें, और एक चीज़ जो करने से पहले याद रखेंगे कि नोट करके याद रख लो इसको, कि जो मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूँ उसके अंदर जो मेरी राइट हैंड साइड है, जो मेरी राइट हैंड साइड है विच इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, राइट हैंड साइड हमेशा क्या होनी चाहिए मेरी, जीरो होनी चाहिए, तभी ये मेथड काम करेगा, अदरवाइज ये मेथड काम नहीं करेगा, ये चीज ध्यान रखें। अब सवाल आता है सर नहीं होगी तो, नहीं होगी तो बनाओ, नहीं होगी तो बनाओ, वो सिंपल मैनिपुलेशन आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब ये मेरे से पूछा गया सिंपल सा, तो कैसे बता सकते हो आप, ठीक है। वैसे देखो कुछ बच्चों जिनका मैथ अच्छा है ना, वो डायरेक्टली पता लग रहा है ये पॉजिटिव कब होगा, जब नंबर 7 से बड़ा होगा, सिंपल सा है। और अगर मैं जो मेथड बता रहा हूँ उससे बात करूं तो मैंने देखा सर इसका रूट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ही है मेरे पास, इसका रूट क्या होगा सर, x इज इक्वल टू 7, 7 रखोगे ये 0 हो जाएगा, ये इसका रूट है सर। चीजें क्लियर हुई, यस सुनो, यस। तो अब मैंने देखा x का कॉफिशेंट क्या है, सबसे पहला काम रूट निकालो, नंबर लाइन पे लिख दो। दूसरा काम क्या होना चाहिए, x का कॉफिशेंट देखा मैंने, क्या है सर, पॉजिटिव है। क्या है इंपॉर्टेंट है साइन यहां पे, कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो इट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो राइट में लिख दिया सर पॉजिटिव, लेफ्ट में लिख दिया नेगेटिव। यानी इस एक्सप्रेशन के बारे में मेरा ये ख्याल है सर, ये हमेशा जब वैल्यू 7 से बड़ी होगी तो पॉजिटिव रहेगा, 7 से छोटी होगी तो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब मेरा आंसर कौन सा होना चाहिए सर, ये वाला। तो मैं सिंपल सा लिख सकता हूं कि x इज ग्रेटर देन 7 होना चाहिए, दैट्स योर आंसर, सिंपल, दैट्स वेरी सिंपल। अब मान लो कई बार हम यहां पे इक्वल टू भी डाल देते हैं, कि इक्वल टू हो तो क्या, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इक्वल टू को देखते ही जिन्होंने 11th में इनइक्वालिटीज पढ़ी ना, वो बच्चे यहां पे इक्वल टू डालते हैं फटाफट से। लेकिन बेटा ध्यान रखना, इक्वल टू या डालने से पहले, ठीक है, क्या ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं यहां पे 7 रख दूं तो 7-7 0, 1/0 इज, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो मैंने बोला था ना कि 1/0 मिल जाए अगर क्वेश्चन में, तो इसका मतलब आपने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है कोई ना कोई, तो उसको एक बार चेक कर लो कि क्या किया है वो। तो ब्लंडर मैंने क्या किया, यही वाला किया, तो 7 यहां नहीं आना चाहिए, तो इट मींस तब भी मेरा आंसर यही होगा कि x इज ग्रेटर देन 7। इस बात को आप ऐसे लिखो, या फिर इसी बात को लिखने का तरीका है 7 टू इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू, सॉरी दिस इज ओपन इंटरवल बिकॉज 7 इंक्लूड नहीं होगा, क्लियर, ऑप्शन इज क्लियर, वेरी इजी, ठीक है। नेक्स्ट चलो एक और ले लेते हैं, मान लो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, देखो इसी बात को मैं लिख सकता हूं x माइनस 3 x प्लस 3, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, यस और नो, क्या किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये मान लो मुझे पूछा गया ग्रेट लेस देन 0, मैंने एक मिनट की बात लिया, ठीक है। तो इस बात को मतलब मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन मान लो ऐसे था एज लेस देन 0, ठीक है। तो इसी को मैंने दो लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ब्रेक कर लिया और अब मेरा बन गया ये। तो अब तरीका वही होना चाहिए, नंबर लाइन प्लॉट की, रूट देखो भाई, x माइनस 3 इसका रूट, ये 0 कहाँ होगा सर, x की वैल्यू जब 3 होगी, 3 लिख दिया, x प्लस 3 जब x की वैल्यू माइनस 3 होगी, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो x के कॉफिशेंट सब में पॉजिटिव है क्या, सब में पॉजिटिव है, नहीं हो तो बनाओ, नहीं हो तो बनाओ, ठीक है। तो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सिंपल सा लिख दिया मैंने सर, ये एक्सप्रेशन यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव, मतलब ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये ग्रेटर देन 0, लेकिन इस वैल्यूज के लिए लेस देन क्या होगा, 0, मुझे क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। तो मेरा आंसर कौन सा होना चाहिए सर, ये वाला, तो दिस इज फ्रॉम माइनस 3 टू 3, ये मेरा आंसर होगा कि x की वैल्यू जब माइनस 3 और 3 के बीच में होगी तभी एक्सप्रेशन क्या होगा सर, नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा, तो दैट्स योर आंसर, चीजें क्लियर। मान लो इक्वल टू कर दूं अब यहां तो कोई दिक्कत नहीं सर, इक्वल टू 0 मतलब अब यहां पे ये डिनोमिनेटर में नहीं है तो क्लोज इंटरवल ही आएगा। माइनस 3 रख के देखो ये 0 होगा, पूरा 0, 0 इक्वल टू 0, नो प्रॉब्लम। 3 रखोगे तो भी 0 इक्वल टू 0, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये ऐसे हो सकता है, सिंपल। तो ये तो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस थे जो आप खुद से भी कर सकते थे, और
आई थिंक मेरे ये चीज़ें बताने से पहले भी हमने 11th स्टैंडर्ड में चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट, चलो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ थोड़ा सा अच्छा, एंड दैट इज़ योर, मैं लिख दिया x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री एंड एक्स माइनस फाइव, लेट बिट इज़ ग्रेटर देन जीरो, मैंने ये बोल दिया, ठीक है। और आप चाहो तो एक चीज़ चेंज कर सकते हो, लेट बी, मैंने इसको फाइव माइनस एक्स लिख दिया भाई, ठीक है, एक वो भी होना चेंज है, हाँ एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव आ जाए तो क्या करना है मुझे। तो सबसे पहली चीज़ वही देखो, एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो इस माइनस को सबसे पहला काम करो प्लस करो। कैसे कर सकते हैं सर, यहाँ से माइनस को बाहर निकाल लो, कॉमन ले सकता हूँ ना, यस और नो, यस। तो बाकी चीज़ें तो मेरी रहेगी एज इट इज़, बाकी चीज़ें तो रहेगी मेरी एज इट इज़, मैंने यहाँ से माइनस को बाहर निकाला तो ये आ जाएगा माइनस बाहर, ऐसे कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से माइनस बाहर निकाला तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, नो प्रॉब्लम सर। अब इस माइनस को हटाना है, लेके जाता हूँ मैं राइट हैंड साइड में, या दोनों तरफ माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, आपकी चॉइस है। लेकिन इन इक्वालिटीज हमने ये चीज़ पढ़ी हुई कि जब भी हम नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो मेरा साइन क्या हो जाता है, फ्लिप। तो ये माइनस जब उस तरफ जाएगा तो ये साइन कैसे हो जाएगा सर, कुछ ऐसे हो जाएगा, ये सुनो, यस। सो बस हो गया काम मेरा, सॉल्व करो। अब नेक्स्ट क्या रहता है सर, रूट को नंबर लाइन पे लिख दो फटाफट से। x माइनस वन रूट क्या होगा सर, x इक्वल टू वन। x माइनस टू रूट क्या होगा सर, x की वैल्यू टू रखो, जीरो हो जाएगा टू, इसका रूट हो जाएगा थ्री और इसका रूट हो जाएगा सर फाइव, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव हैं, रूट मैंने नंबर लाइन पे लिख दिए हैं, तो बस लिख दो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये बोल रहा है नेगेटिव चाहिए मुझे, लेस देन जीरो चाहिए, तो लेस देन जीरो कहाँ कहाँ है सर, ये वाले पोर्शन पे, ये वाले पोर्शन पे, और लेस देन सिर्फ लेस देन है, इक्वल टू है नहीं, तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, जो जो नेगेटिव है उनको लिख दो ओपन इंटरवल में। तो अब देखो मेरे आंसर क्या क्या है, ये और ये, या वैल्यू यहां से रख दो या यहां से रख दो, यानी बीच में क्या आएगा, और का मतलब मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में, और का मतलब होता है यूनियन, तो मेरा आंसर जो होगा ये होगा, यानी ये या फिर ये, इनमें से कोई भी एक्स की वैल्यू आप रखो, यू गेट द आंसर। तो चीजें क्लियर, इजी, आई थिंक इट्स वेरी इजी, ठीक है भाई, सिंपल है। तो मान लो मैं यहां पे इक्वल टू और कर दूं, तो अब मेरा आंसर क्या होगा, ध्यान से देखो, ठीक है, मैंने इक्वल टू और डाल दिया कि इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। तो इक्वल टू जीरो, एक चीज ध्यान रखना कि समथिंग इज इक्वल टू जीरो, चलो ए बाई बी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, मैंने लिखा a बाई बी होल इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है सर, इस जीरो का मतलब सिर्फ सीधा सा हो सकता है कि मेरा न्यूमिनेटर मस्ट बी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये होगा, इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू जीरो, नॉट b इक्वल टू जीरो, ठीक है। और इसे ध्यान रखना, और मैं साथ में लिख दूंगा b इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर b जीरो हो गया, डिनोमिनेटर में जीरो हो गया, तो ये टर्म कैसी हो जाती है, नॉट डिफाइन, अनडिफाइन हो जाती है, तो b जीरो नहीं होना चाहिए, और ये तभी जीरो होगा जब मेरा न्यूमिनेटर जीरो होगा। तो बस इसी चीज पे यहाँ पे फोकस करेंगे। देखो मेरा पहला है सर वन टू टू, इक्वल टू साइन आया, इसलिए हम फटाफट से क्या करते हैं, क्लोज इंटरवल लगाने की सोचते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर मैं वन रखता हूँ तो न्यूमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं टू रखता हूँ तो भी न्यूमिनेटर जीरो होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थ्री और फाइव रखने से क्या होगा, डिनोमिनेटर जीरो होगा, तो ये ओपन इंटरवल ही रहेगा, मेरा थ्री और फाइव इंक्लूड नहीं होगा सॉल्यूशन में। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको अपने दिमाग में लगा के रखना है, ठीक है। तो अब ये चाहे कितनी भी टर्म दे दे आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास सॉल्यूशन करने का तरीका है, ठीक है। रूट्स को नंबर लाइन पे लिखो, राइट साइड से स्टार्ट हो जाओ, और हमेशा क्या ध्यान रखना है, एक्स का कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो तब ये मेथड आपका वर्क करेगा, होप सो इट इज क्लियर, ठीक है भाई। और नहीं करना तो फिर साइन जहां प्लस आता है वहां माइनस, जहां माइनस आता है वहां प्लस कर लो, लेकिन बेटर रहेगा सिंगल वे में इसको प्रिपेयर करो, अदरवाइज आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलो अब इसी क्वेश्चन में एक और चीज ऐड करता हूं मैं। सो लेट बी दिस इज पावर टू, लेट बी दिस इज पावर थ्री, मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे कर दिया। अभी तक मेरे पास लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे, लीनियर इक्वेशन बोल सकते हो, ठीक है, इन सिंगल वेरिएबल, और इनकी जो डिग्री थी, इनकी पावर जो थी, वो हमेशा क्या रह रही थी, वन रह रही थी, अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन किए, ठीक है। बट यहाँ पे एक स्टेप और हम आगे बढ़ गए कि अब मेरी पावर जो है वो एक से ज़्यादा हो गई है, ठीक है। एक से ज़्यादा होने पे पावर मेरी दो ही टाइप की हो सकती है, या तो वो इवन हो यानी मल्टीपल ऑफ टू हो, या फिर वो पावर क्या हो, ऑड हो,
या तो पावर मेरी क्या मिलेगी, इवन मिलेगी, या मेरी पावर क्या मिलेगी, ओड मिलेगी। ठीक है, तो इस टाइप के इक्वेशंस को कैसे सोल्व किया जाए, सेम है, थोड़ा सा चेंज होगा। क्या होगा ध्यान से देखो, सबसे पहला काम जो हम करते थे, x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना लो भाई। ठीक है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, सिर्फ इसी में दिक्कत है। तो एज यूजुअल जैसे हमने उसका बनाया था, ये माइनस वन कॉमन ले लेंगे और माइनस जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। द नेक्स्ट स्टेप इज मार्क द रूट ऑन द नंबर लाइन। यहां पे रूट है सर वन, यहां पे रूट है सर टू, यहां पे रूट है सर थ्री और यहां पे रूट है फाइव। हो गया, यहां तक सेम था। अब यहां पे एक स्टेप नया ऐड होगा। पहला मैंने बोला कि ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में ले आओ, जहां पे ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म। द सेकेंड स्टेप हमने किया कि इसके रूट निकाल लो सर, ठीक है, और रूट को कहां डाल दो, नंबर लाइन के ऊपर लिख दो। अब तीसरे स्टेप में थोड़ा सा चेंज है, यहां पे प्लस माइनस लिखने से पहले मुझे देखना है कि जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर इवन पावर है, ऑड से मुझे कोई मतलब नहीं, ऑड को छोड़ दो, सिर्फ इवन पावर वालों को देखो, जिनके ऊपर इवन पावर है उसका जो भी रूट था उस पर क्रॉस का साइन लगा दो। सिर्फ एक ही है तो वन इज रूट, तो उस पर क्या लगा दिया मैंने, क्रॉस का साइन लगा दिया। चीजें क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, तो इससे चेंज क्या हुआ ध्यान से देखो। अब स्टार्ट करता हूं वही राइट से, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब जहां ये क्रॉस का साइन लगाना वहां एज इट इज माइनस ही रहेगा। ठीक है, एज इट इज क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेटा एक्चुअली में अगर ये पावर इवन नहीं होती तो ये वन के बाद साइन चेंज करने वाला था अपना, यानी वन के बाद माइनस वन होने वाला था, वन से जब छोटी नंबर आता था तो माइनस माइनस करके ये वापिस से प्लस आ जाता मेरा। बट अब क्या हुआ, पावर इवन होने की वजह से हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, यानी ये साइन चेंज नहीं करेगा। चीज क्लियर, तो बस ये चीज ध्यान रखनी है। अब लिख दो लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए कौन कौन से रूट आएंगे, सर थ्री टू फाइव होना चाहिए, और क्या होना चाहिए सर, ये यहां से लेकर के टू तक जाएगा। और ध्यान रहे इस वाली वैल्यूज को एक बार चेक कर लेना कि ये आती है अंदर की नहीं आती। ठीक है, तो मतलब इधर से मतलब मैं स्टार्ट हूंगा माइनस इन्फिनिटी सर, यहां तो ओपन इंटरवल होगा, मैं जाऊंगा वन तक। अब देखो वन इंक्लूड होगा कि नहीं होगा इसमें, सर लेस देन इक्वल टू बोला है इसने, तो वन यहां रखूंगा तो न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, जीरो इक्वल टू जीरो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तो इट मीन दिस इज फाइन, वन आएगा इसमें। ठीक है, तो वन आप कर सकते हो, यूनियन वन से टू, ये वाला इंटरवल भी है वन से टू। अब देखो वन आएगा लेकिन वन एक ही जगह आएगा, ऐसा नहीं है कि हर जगह मैं वन लिखता चुकूं। ठीक है, ध्यान रखना यहां लिख दिया तो यहां नहीं लिखना फिर। सो टू ओपन इंटरवल की इक्वल टू जीरो है, मतलब क्लोज ही आएगा सर यहां पे भी। ठीक है, यूनियन अगला सॉल्यूशन है थ्री टू फाइव, तो ये मेरा ओपन ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सर थ्री और फाइव नीचे है, यानी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को जीरो करेंगे तो उससे टर्म अनडिफाइन हो जाएगी, तो थ्री और फाइव इसमें नहीं आएंगे। अब इस बात को मैं कंबाइन करके लिख सकता हूं, कैसे, मैं लिख दिया माइनस इन्फिनिटी से लेकर टू तक यूनियन थ्री से लेकर फाइव तक, सॉरी टू के साथ आएगा क्लोज इंटरवल। दैट्स योर सॉल्यूशन फॉर दिस वन, होप सो इट इज क्लियर। ठीक है भाई, तो हो जाएगा, दैट्स इट। अब यहां पे मान लो मैं सिर्फ लेस देन करता, तो सिर्फ लेस देन करने से क्या होता, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज यानी मेरा आंसर जो था कुछ ऐसे आता, जो पहले वाला आंसर है ये आता। ठीक है, क्योंकि जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो कहां होगा, जहां जहां रूट होंगे, तो वो रूट पे सब पे क्या जाएगा, ओपन इंटरवल, क्योंकि सारे रूट इंक्लूड नहीं हो सकते अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो। ठीक है, यानी एक चीज मुझे समझ में आती है कि अगर लेस देन या ग्रेटर देन ही है तो हमेशा ओपन इंटरवल आएगा, सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब यहां पे इक्वल टू भी आ जाएगा तब मुझे सोचना है कि कौन सा रूट मुझे लेना है कौन सा नहीं लेना। तो इक्वल टू के साइन में न्यूमरेटर वाले सारे रूट लेंगे, डिनोमिनेटर वाले एक भी रूट हम इंक्लूड नहीं करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो जब ये इक्वल टू नहीं होगा तो मेरा ये आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि वन पे जीरो हो जाता है, यानी वन इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, सो दैट्स सिंपल। ठीक है, तो अब होप सो चीजें क्लियर है, बहुत ही सिंपल सी चीज थी। ठीक है, अब चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन आपको दे दे आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं इसी को एक्सपेंड करूं, मैंने बोल दिया x प्लस सेवन रेस टू पावर फोर, x माइनस थ्री है सिक्स रेस टू पावर लेट इट इज सेवन, ओके x माइनस नाइन सर लेट बी प्लस नाइन एंड रेस टू पावर सिक्स इज देयर, मैंने ऐसे कर दिया लेस देन जीरो, इसको सॉल्व करना है मुझे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर लाइन बनाओ फटाफट से, सारे रूट लिखते चलो सीक्वेंस में, यहाँ से मिलेगा माइनस सेवन सर, यहाँ से मिलेगा प्लस का सिक्स, यहाँ से मिलेगा वन, यानी वन इधर आना चाहिए, फिर मिलेगा टू, फिर मिलेगा सर ये थ्री हो गया, देन फाइव हो गया,
ठीक है, इसको थोड़ा और उधर कर लो चाहे, ठीक है, मुझे सिर्फ आंसर निकालने के लिए मुझे एग्जैक्ट प्लॉट नहीं करने है। एंड द लास्ट वन इज दिस इज माइनस नाइन, ठीक है, मुझे सॉल्यूशन पूछा है तो फटाफट से, सब एक्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो स्टार्ट हो जाओ, प्लस माइनस प्लस, सॉरी एक चीज भूल गए क्या सर, मुझे ये देखना है कि कौन कौन से जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लीनियर उन पे पावर इवन है, एक तो ये वाला वन पे है वहां पे क्रॉस लगाया, और कहां हो रहा है माइनस सेवन पे यहां पे भी क्रॉस लगा दिया, देन माइनस नाइन पे यहां पे भी क्रॉस लगा दिया, ठीक है, तो यहां पे क्रॉस मतलब साइन चेंज नहीं होगा, तो अब स्टार्ट हो जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 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 प्लस, दैट्स इट, चीजें क्लियर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्रॉस आ गया तो साइन एज इट इज, क्रॉस आ गया तो साइन एज इट इज, क्रॉस आ गया तो साइन एज इट इज, मुझे चाहिए लेस देन वाला, तो लेस देन वाले आंसर कौन कौन से होंगे, ये वाला और ये वाला, दो पोर्शन है सर, यानी टू टू थ्री, अब सिर्फ लेस देन है, टू टू थ्री यूनियन फाइव टू सिक्स, दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन, ठीक है, और अगर ग्रेटर देन होता तो मैं प्लस वाले लेता तो वो मेरा आंसर हो जाता, दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, तो समझ में आया डोमेन क्या होता है, सिंपल सा था, छोटी सी चीज़ हमने बात सीखी, देन हमने सीखा कि रूट क्या है, उनका मीनिंग क्या है, और रूट के क्यों लेते हैं हम, रूट का मतलब क्या है, ठीक है, और रूट आने से मुझे पता लगा कि सर रूट से क्या होता है कि मेरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साइन का पता लगता है, कि उसके लेफ्ट और राइट में मेरे साइन क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के चेंज होते हैं, उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हमने ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने सीखी। देखो कितनी देर का क्वेश्चन है, विद इन ए मिनट आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, इनके रूट निकालना आई थिंक मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तो होप सो इट इज क्लियर। द नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, अगर इनइक्वालिटीज में मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, तो होप सो ये बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा टॉपिक था, समझ में आया, और ये कॉन्सेप्ट हर जगह वर्क करेगा, बार बार मुझे चीज़ों के डोमेन निकालने होंगे, बार बार इनइक्वालिटीज यूज होगी, तो अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप फटाफट से इनको कर सकते हो, अदरवाइज फिर वही 11th के लॉन्ग टर्म मेथड्स वो आप लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, जैसा आपको करना, जैसा आपको अच्छा लगे, तो होप सो दैट इज़ क्लियर। सो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो और अपने डाउट ले सकते हो, और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ इसको, और आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, दैट्स इट, होप सो इट इज़ क्लियर, थैंक यू।